यूथ लीडर शरण आईटी ने गुलबर्गा शहर को करप्शन फ्री सिटी बनाने की मुहिम का आगाज किया है। शरण आईटी ने कहा, गुलबर्गा शहर के हर गवर्नमेंट ऑफिस में छोटे से बड़े कामों में रिश्वतखोरी चल रही है। कोई मामूली सा काम भी करवाना हो तो लोगों को गवर्नमेंट ऑफिस में रिश्वत देनी पड़ रही है। शरण आईटी ने कुछ महीने पहले गुलबर्गा सिटी कॉरपोरेशन कमिश्नर को रिश्वतखोरी के मामले में एंटी करप्शन ब्यूरो के जरिए रंगे हाथों गिरफ्तार करवाकर जेल भेजने का काम किया है। शरण आईटी ने गुलबर्गा हेडलाइंस के जरिए शहर के आवाम से कहा, तमाम नौजवान मिलकर रिश्वतखोरी को रोक सकते हैं। जहां कहीं भी रिश्वत मांगी जा रही है उनको गिरफ्तार करवाया जा सकता है। और शरण आईटी ने कहा, अब तक जो एसीबी ऑफिस में करप्शन रिश्वतखोरी के खिलाफ शिकायत की जा रही थी, अब एसीपी ऑफिस नहीं बल्कि लोकायत में शिकायत करना होगा। हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि अब से जो कोई भी करप्शन का मामला सामने आए तो उसको लोकायत ऑफिसर हैंडल करेंगे। गुलबर्गा लोकायत एसपी ने अवेयरनेस के लिए एक पॉम्पलेट जारी किया है, जिसमें हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं जिस पर कॉन्टैक्ट कर आप शिकायत करवा सकते हैं। अगर गुलबर्गा शहर के किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में आपसे रिश्वत मांगी जा रही है या कोई इलीगल एक्टिविटीज नजर आए तो आप ऑडियो या वीडियो रिकॉर्ड कर लोकायत ऑफिसर्स को कंप्लेंट कर सकते हैं, जिससे रिश्वतखोरी को रोकने में आसानी होगी। शरण आईटी ने इस वीडियो में मजीद जानकारी दी है। आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें और रिश्वतखोरी को रोकने के लिए आगे आएं। दिस वीडियो प्रेजेंट बाय मन्नूर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, हाईली क्वालिफाइड एंड वेल एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स टीम फॉर इमरजेंसी एंड ट्रॉमा केयर 24/7 एट बारे हिल सर्कल रिंग रोड गुलबर्गा। आज का दिन एक स्पेशल वीडियो है कि कलबुर्गी में करप्शन फ्री एक मूवमेंट चला रहे हम लोग। कई महीने से ये काम करते आए सो है और करते आ रहे डे टू डे, उसके लिए एक वीडियो बना रहे आज कि हम सब कलबुर्गी के आम जनता नागरिक कैसे मिलके कलबुर्गी सिटी को करप्शन फ्री बनाने में सबका हमका सहयोग कैसा रहेगा, उसके बारे में मैं दो बात करना चाहता हूँ। कि आज का दिन में करप्शन एक गवर्नमेंट ऑफिसर को एक डे टू डे रूटीन हो गया है कि हमारा कौन सा भी काम रहे तो विदाउट करप्शन घूस, विदाउट पैसा घूस के अलावा उन्हों काम नहीं कर रहे। उसके लिए हमारा फाइट जारी है कलबुर्गी में। इससे पहले हम कलबुर्गी का सिटी कॉरपोरेशन में फॉर्मर कॉरपोरेशन कमिश्नर, फॉर्मर बोले तो इससे पहले कौन सिटी कॉरपोरेशन के कमिश्नर थे, उनको एसीबी रेड करवाए थे। हम बोले तो हमारे को करप्शन घूस पूछे थे, वो घूस के लिए करप्शन में उनको स्ट्रिंग ऑपरेशन में पकड़े गए थे, उनको जेल को भिजाए थे। उसमें अकाउंटेंट कॉरपोरेशन ऑफिस के अकाउंटेंट और कमिश्नर, फॉर्मर कमिश्नर दोनों को भेजे थे। वो लोग 75 डेज का जेल काट के अभी बेल पे बाहर आए सो है। बोले तो एक अच्छा डर पैदा हुआ था कि गुलबर्गा में करप्शन के लिए यूथ्स आगे आके फाइट कर रहे बोल के। अभी कॉरपोरेशन में डायरेक्ट पैसे लेने का ख़त्म हुए सो है करप्शन, बट इनडायरेक्ट लेने का चालू है, वो कंटिन्यू हो रहा। कई लोग हमारे को बताए कि इनडायरेक्ट पैसे ले रहे फिर काम करने में बोल के। इसके लिए आज मैं मीडिया थ्रू बताना चाहता हूँ, कोई भी हाँ ऑफिसर, चाहे कॉरपोरेशन रन दो, तहसील ऑफिस रन दो, पुलिस स्टेशन रन दो, एजुकेशन डिपार्टमेंट रन दो और हेल्थ डिपार्टमेंट रन दो, एग्रीकल्चर ऑफिस रन दो, कहीं भी वो सरकारी एम्प्लॉय नौकर रहे तो वो आपको काम करने में घूस घूस बोले तो करप्शन पैसे पूछा बोले तो वो कितने भी अमाउंट रन दो, 100 रुपये भी रन दो, 1000 रुपये भी रन दो, 1,00,000 रुपये भी रन दो, वो कानून के विरुद्ध है कि हम करप्शन किसी को ऑफिसर को पूछे तो हम नहीं देना है। और वो पूछे तो उनका ऑडियो नहीं तो वीडियो रिकॉर्ड करके हम सीधा लोकायुक्त ऑफिस जाके कंप्लेंट किए तो वो लोग स्ट्रिंग ऑपरेशन करके वो ऑफिसर को रंगे हाथ पकड़ के जेल भिजाने में वो लोग रेडी है। इससे पहले मैं कब स्ट्रिंग ऑपरेशन किया था कॉरपोरेशन ऑफिस के टाइम पे, मैं कंप्लेंटदार था, तब एसीबी था, एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी कर्नाटक में। वो 2016 में स्टार्ट हुआ था, लास्ट अगस्त में उसको क्या बोलते हैं हाईकोर्ट अबॉलिश करके लोकायुक्त को पावर्स रीइंस्टीट किए सो है। इससे पहले भी 2016 के पहले भी लोकायुक्त वेरी एक्ट
एक्टिव रोल कर रहे थे सभी गवर्नमेंट ऑफिसर को रेड करने में और करप्शन कहाँ रंगे हाथ ले रहे उधर पकड़ाने में और कौन इनकम से ज़्यादा प्रॉपर्टी बनाए से गवर्नमेंट ऑफिसर उनको घर को रेड करके उनका प्रॉपर्टी क्या है कितना कमाए उन्होंने उनका सैलरी कितना था बोल के उधर तक भी नहीं छोड़े से पहले लोकायुक्त तो उतना कर्नाटक में पावरफुल लोकायुक्त था भी अभी फिर अभी एक बार लोकायुक्त स्टार्ट हो गया और पावरफुल है अभी। आज के दिन मैं लोकायुक्त एंटायर टीम गुलबर्गा को मिल के आया हूँ एसपी डीवाईएसपी एंड इंस्पेक्टर सर्स को मेरा अच्छा बड़ा एक 1.5 आवर का एसपी सर से डिस्कशन हुआ है और मैं कई इनपुट्स भी डिस्कस करके उन्होंने मुझे एजुकेट भी किए हैं मैं भी इनपुट दिया हूँ और मुझे एक पॉम्प्लेंट दिए सो है आज एसपी सर क्या बोले तो ये लोकायुक्त तो ऑफिस के कलबुर्गी के हाथ से क्या कर रहे बोले तो पब्लिक अवेयरनेस कैंप कर रहे कई कॉलेजेस को जाके पब्लिक प्लेस को जाके वो लोग अवेयरनेस कर रहे हैं। ये पॉम्प्लेंट में क्या है बोले तो कर्नाटक लोकायुक्त कलबुर्गी पब्लिक में एक रिक्वेस्ट बोल के बोले तो कौन सा भी गवर्नमेंट ऑफिस में गवर्नमेंट एम्प्लॉय काम करने वाले आपका कुछ भी काम है तो गवर्नमेंट के ऑफिसर के साथ वो पर्पजली डिले कर रहे बोले तो एग्जाम्पल बताना बोले तो कॉरपोरेशन में हम घर का मोटेशन को डाले सो रहते बिल्डिंग परमिशन के लिए डाले सो रहते नहीं तो तहसील ऑफिस में इनकम कास्ट करने डाले सो रहते और 371 कुछ ऐसे काम आ रहे थे पब्लिक का डे टू डे उसमें उन्होंने डिले कर रहे पर्पजली होना बोले तो वो चाहे प्यून रन दो चाहे केस वर्कर रन दो क्या ऑफिसर रन दो क्या एक कमिश्नर लेवल ऑफिसर रन दो और डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर रन दो कोई भी हो दो वो लोग हमार को पैसे पूछ रहे बोले तो हम एक वीडियो नहीं तो ऑडियो मोबाइल जेब में रख लेके ऑडियो बनाए तो भी चलेगा हमारा मोबाइल में एक ऐप इंस्टॉल करना है ऑडियो रिकॉर्डर बोल के वो हम चालू रख लेके ऑफिस में गए तो उन्होंने क्या बात करते कितना पैसे पूछते काम के लिए क्या बोल रहे बोल के वो रिकॉर्ड कर लेके सीधा हम ये हेल्पलाइन नंबर दिए सो है लोकायुक्त वाले लैंडलाइन नंबर है ये वो भी मैं बताता हूँ 08472295364 अभी एक नंबर 08472263745 हम लोकल ये कर रहे बोले तो लैंडलाइन नंबर से वो छोड़ के भी एसपी सर का डीवाईएसपी सर का भी नंबर दिए सो है इनो वीडियो में आपको डिस्प्ले करते हैं बोले तो हम जाके उनको मिल के कंप्लेंट दे के वो ऑडियो दिए बोले तो फिर उन्होंने इमीडिएटली रेड करते करके रंगे हाथ पकड़ते वो लोग वो छोड़ के भी इधर उन्होंने क्या क्या बताए बोले तो कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर आपको हरासमेंट दे रहे काम करके देने में और उनका पावर मिसयूज़ कर रहे और वो छोड़ के भी मिस अप्रोप्रिएशन कर रहे काम में बोले तो उसके बारे में भी हम लिखित फॉर्म 1 फॉर्म 2 बोल के आता उस पर भी हम कंप्लेंट दिए तो वो इन्वेस्टिगेशन होगा उनका गवर्नमेंट ऑफिसर का वो छोड़ के भी सरकारी कामगारी कलपे कंडू बंदरे कौन सा भी गवर्नमेंट काम वो रोड भी होंदे हो नाली का ड्रेन का काम होंदे हो कौन सा भी गवर्नमेंट बिल्डिंग का काम होंदे हो कौन से भी गवर्नमेंट का बजट देख के पैसा खर्चा करके काम करते ना उसमें भी काम में फ्रॉड है नहीं तो वो काम कड़पे है प्रॉपर नहीं चल रहा है ज़्यादा पैसा खर्चा करके कर रहे बोले तो उसके ऊपर भी हम कंप्लेंट दे सकते बोल के लोकायुक्त एसपी सर क्लियरली बताया ऐसे है हम सभी तरीके से कलबुर्गी करप्शन को रुकाने के लिए ये सभी चीज़ को हम फॉलो करके कंप्लेंट दिए बोले तो सभी आम जनता मैं आप सभी मिल के कंप्लेंट कहाँ कहाँ भी मिस ऑपरेशन चल रहा गवर्नमेंट ऑफिसर का हम उनके ऊपर फाइट किए तो ज़रूर हम कलबुर्गी का कॉरपोरेशन करप्शन ख़त्म करने में सक्सेस हो जाएंगे सभी मिलके करेंगे ये सब हम आम जनता का रिस्पॉन्सिबिलिटी है हम पहले 1947 पहले हमारे को इंडिपेंडेंट नहीं हुआ था उसके बारे में हम कितने हमारे हज़ारों लोग फाइट करके हमारे को इंडिपेंडेंट दिए सो है रियली इंडिपेंडेंट हम होना बोले तो ये करप्शन को ख़त्म करना चाहिए हम सब मिलके अभी एक बार फाइट करेंगे कलबुर्गी को करप्शन फ्री करेंगे बोल के बोलना चाहता हूँ जय हिंद।